नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल और बथुए की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम बथुआ और पालक का दाल बना रहे हैं, तो सबसे पहले डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल, साबुत जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च। फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे। 2 से 3 घंटे पहले मैंने चना दाल को भिगो करके रखा हुआ है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम बथुआ ऐड करेंगे। बथुआ को मैंने कट करके और उसके बाद इसको वॉश करके रखा हुआ है, ये देखिए। सारे बथुआ को इसमें हम डाल देंगे। बथुआ और चना दाल का जो दाल होता है काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी बन करके यहाँ पे तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और झटपट बन करके तैयार भी हो जाती है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ पर थोड़े थोड़े सारे मसाले डालेंगे, इससे इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो हल्दी का पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। इसी के साथ हम होममेड गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे। इसमें भुना हुआ जीरा, काली मिर्च सभी चीज़ें रहती हैं और इससे जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। अब होता था हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा पीटा रहता है ना तो टेस्टी लगता है खाने में, चटपटा। मिक्स करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम नमक ऐड कर लेंगे। इसमें बथुआ कुक होने के बाद थोड़ा सा गल जाता है, लेकिन चना दाल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए। जितना आप दाल में डालते हैं ना उतना ही नमक यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। सभी चीज़ों को यहाँ पे हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टमाटर कट करके डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सभी मसाले आपको इसमें ऐड करने हैं थोड़े थोड़े, तभी टेस्ट अच्छा लगेगा। तो इसको हम फ्राई होने देते हैं, तब तक हम अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड कर लेंगे। 1 टमाटर को यहाँ पे कट करके डाल देंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए, दाल जो हमारा है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये देखने में। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाए। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम घी डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्च, साबुत जीरा, हींग, सभी चीज़ों को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। ऊपर से तड़का डालने के बाद बथुआ और चना दाल का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस तड़के को आप ऊपर से लगाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तड़का हमारा तैयार है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको दाल के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे दाल को मैंने डाल दिया है एक छोटे से बर्तन में और इसके ऊपर हम इस तरीके से तड़का लगाएंगे। और ये देखिए, तड़का लगाने के साथ ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा।